बिहार के लिए निशानेबाजी करते हैं, भारत के लिए निशानेबाजी करते हैं, लेकिन आज तक बिहार की सरकार ने एक भी शॉटगन शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य नहीं किया। बिहार की ऐसी बेटी आज विधानसभा में खड़े होकर बोल रही है जिसको राष्ट्रपति ने 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक भी शॉटगन रेंज नहीं होने का कारण क्या है? ये माननीय खेल मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो खुद खेल में इतनी रुचि रखते हैं, इसका जवाब हमें जरूर दें। अध्यक्ष महोदय, आपने हमें इतना समय दिया, इन समय के साथ एक लाइन, क्योंकि माननीय सदस्य शकील जी कुछ नमक की बात कर रहे थे तो मैं भी उनको बोलना चाहूंगी। ना बोला वंदे मातरम, ना बोला वंदे मातरम, सरे आम हो गए, खाया वतन का नमक और आज नमक हराम हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उनको तो पता नहीं, अभी स्पोर्ट्स को लेकर के पूछ रही थी। हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे कि वो महागठबंधन की सरकार आते ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इससे बढ़िया स्पोर्ट पॉलिसी क्या? जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में, वो बन ही रहा है, मोनीलाल स्टेडियम भी बन रहा है, हर एक चीजें जो है, अब चीजें जो है आ रही है पट्टी पर और चीजें जो है और सुधारा जा रहा है। लेकिन जो भी खेल कूद में हुआ वो तो बिहारी सरकार ने किया। एक चीज बता दे जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में 9 साल में केंद्र की सरकार में खेल कूद के लेकर के। तो उनको तो कुछ भी कहना है कहती नहीं, असल में वो गलत जगह बैठी हुई है बेचारी। हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलता है, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है और बड़ी अच्छे से अपनी बात को भी रख रही थी। लेकिन ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ज्ञान नहीं दिया जाता है, जहां केवल झूठ फरेब की राजनीति होती है, नकारात्मक चीजें होती है, उस खामे में बैठी हुई है। फिर उनकी मर्जी, लेकिन धक्का तो सबको लगेगा ही। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या क्या किया, अपने लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, किसको नहीं पता है।